शासकीय महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर जेपी अमन आज बीएससी भाग द्वितीय के सिलेबस तथा बुक्स व पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी एक लंबे समय से अध्ययन कार्यों से बहुत दूर हो गए हैं। परिस्थितियों के मुताबिक जो भी महाविद्यालय तथा मेरे द्वारा बनता है बेटर व्यवस्था की जाएगी। आज के इस टॉपिक में बीएससी भाग द्वितीय के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप प्रथम वर्ष के पेपर उस पेपर दिए हैं आपने और साल भर जो भी तैयारी करी है उसके बारे में आपको स्कीम ऑफ एग्जाम्स के बारे में पता होगा। ठीक प्रथम वर्ष की तरह ही बीएससी भाग द्वितीय में भी तीन पेपर जूलॉजी विषय में होंगे। प्रत्येक पेपर 50 अंक का होगा और टोटल जो थ्योरी के तीन पेपर हैं वो 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें प्रत्येक पेपर में 18 अंक पास होने के लिए अनिवार्य होते हैं। इन सभी तीनों पेपर से मिलकर के 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें पास होने के लिए 27 मार्क्स जरूरी होते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें तो यह अकशेरुकियों की संरचना तथा विकास के नाम से है। हालांकि इस पेपर में अकशेरुकीय प्राणियों के बहुत सारे जो तंत्र है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी के टाइटल को अगर देखें तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स के नाम से ये बुक है। आप जिस भी पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं आप मार्केट से ले सकते हैं। तीनों बुक्स जहाँ से भी आपको खरीदनी है आप अति शीघ्र इनको खरीद करके अपना पढ़ाई का जो कार्य है वो तुरंत प्रभाव से चालू करें। पेपर फर्स्ट के अंदर इन्वर्टिब्रेट की संरचना तथा कार्यकी के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस पेपर में जिन जंतुओं का तुलनात्मक अध्ययन अपन करेंगे उसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, साइकोन, फेसियोला हिपेटिका, टीनिया, नेरीज, हिरोटीनिया, पेलीमोन, पाइला, एस्टीरिया, इनके विभिन्न प्रकार के जो तंत्र है उनका तुलनात्मक अध्ययन इस सिलेबस में शामिल किया गया है। जैसे पहला जो चैप्टर है वो लोकोमोशन का होगा, जिसके अंदर इन्वर्टिब्रेट जो जंतु है उनके द्वारा गति में काम आने वाले जितने भी ऑर्गेन्स है, सीलिया, फेजिला, मस्कुलर पेडस, ट्यूफिट्स आदि जो कि सिलेबस में आप देख रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा अध्याय जो होगा वो इसका स्केलेटन से संबंधित होगा। स्केलेटन का मतलब अंतः कंकाल तथा बाह्य कंकाल, जो कि विभिन्न जंतु समूह जो इन्वर्टिब्रेट के जंतु समूह है उनके अंदर पाया जाता है, जैसे पेलीमोन है, लेमिनिडेंस है, पायला, कोरल, इनके ऊपर जो कवच वगैरह किस टाइप के पाए जाते हैं वो एक स्केलेटन वगैरह के बारे में बात करेंगे। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वह है नर्व सिस्टम का, जिसके अंदर इन्वर्टिब्रेट जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र, उनकी संरचना, उनकी कार्यकी के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा जो चैप्टर होगा वो होगा सेंस ऑर्गेन्स, कि इन्वर्टिब्रेट जंतुओं के अंदर किस प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे पायला तथा लेमिनिडेंस के अंदर और इंसेक्टा के अंदर जैसे कंपाउंड आई पाई जाती है, ऑस्पेरेडियम स्टेटोसिस पायला के अंदर होती है, नेरीज, फेट्रोनेरीज, पेलीमोन नेरीज, इसके बारे में, न्यूक्लियर ऑर्गन के बारे में जो भी सिलेबस के अंदर जाएगा उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसकी जो यूनिट सेकेंड है उसके अंदर
चार इंपोर्टेंट जो सिस्टम है उनको शामिल किया गया है। पहला जो फीडिंग मैकेनिज्म है, इसके अंदर इन इन्वर्टिब्रेट जंतुओं के अंदर फीडिंग कैसे होती है, कैसे फीड्स को लेते हैं, कौन से फूड्स फूड्स ये खाते हैं। इसके नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें रेस्पिरेशन से संबंधित चैप्टर होगा, जिसके अंदर जो जलीय जंतु हैं वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की जो संरचनाएँ पाई जाती हैं, साथ ही जो स्थलीय इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर किस टाइप की एडवांसमेंट हुआ है, उसको अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो एक्सीक्यूशन होगा, जिसके अंदर डाइटोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट जो कि मेटाबॉलिज्म के परिणामस्वरूप बनते हैं, उनको ये जंतु किस प्रकार से उत्सर्जित करते हैं। चौथा जो चैप्टर हो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो सर्कुलेशन का होगा, कि इनके अंदर जो जो जंतु है उनके अंदर रक्त उपस्थित है या नहीं है, यदि नहीं है तो उसके अल्टरनेट के अंदर कौन सा प्रकार जो है वो सर्कुलेशन का कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के जंतु को एग्जाम्पल लेते हुए समझेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, जो कि अत्यंत ही इस यूनिट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होगा, जिसमें परीक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार से प्रश्न लघु और वृहत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंदर इनके अंदर पाए जाने वाला जो सेक्सुअल तथा एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लेंगे। यूनिट थर्ड जो कि उसके अंदर अलग अलग सेपरेट टॉपिक है और सभी टॉपिक इन्हीं से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे स्पंज के अंदर एक विशेष प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है, जिसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, एस्कोसाइकोलिकोन टाइप के जो नाल तंत्र किस प्रकार से विकसित हुए हैं। इसी तरीके से हम जानते हैं कि बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट जंतु हैं, जैसे प्रोटोजोआ के, आर्थ्रोपोडा के, हेलमिंथीस ग्रुप के हैं, वो कि पैरासाइट्स उनकी नेचर होती है, और ये इनकी पैरासाइटिज्म इनके अंदर कैसे विकसित हुआ, किस प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो आर्थ्रोपोडा और हेलमिंथीस जंतुओं के अंदर इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इंसेक्ट के अंदर, क्योंकि जो जंतु इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा जो है एक बहुत बड़ा समूह, जिसके अंदर चींटी वगैरह, आपके मधुमक्खी वगैरह, वास्प वगैरह, इनके अंदर किस प्रकार का सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है टर्माइट्स वगैरह में, वो देखेंगे। उसके बाद में इंसेक्ट के अंदर होने वाले जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और जो एस्टीडियाज जो है, इकानोडर्मेटा के जो जंतु हैं जो कि सारे मेराइन होते हैं, उनके अंदर स्टार्क इसका एग्जाम्पल लेते हुए उसके अंदर जो उपस्थित वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किस तरीके से कार्य करता है, उसकी संरचना क्या है और वो किस तरीके से स्टार्क इस उसको लेकर के गति करती है, वो सब पढ़ेंगे। और गैस्ट्रोपोडा के अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, इसको टोरिसन कहते हैं, जिससे इसकी पूरी बॉडी जब वो कॉइल हो जाती है वो किस तरीके से होता है, उसको पढ़ेंगे अपन। उसी की तरह से एनीलिडा के अंदर अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि एनीलिडा के बाद में कौन से एनीलिडा से कौन से ग्रुप किस प्रकार के अडेप्टेशन के कारण उत्पन्न हुए, वो अडेप्टिव रेडिएशन को शामिल करते हुए अपने को स्टडी करेंगे। और इकानोडर्माटा की ओटोटॉमी, जिसके अंदर जंतु जो अपने जो शरीर का कोई भी भाग है वो तोड़ करके अलग कर देता है और बाद में वो रीजनरेट हो जाता है, तो इकानोडर्माटा के अंदर ऑटोटॉमी और रीजनरेशन का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार ये जो पेपर फर्स्ट है वो अपना होगा, जिसके अंदर इन्वर्टिब्रेट की स्ट्रक्चर तथा फंक्शन से संबंधित जो अध्ययन है अपन बहुत जल्द ही टॉपिक बाय टॉपिक वन बाय वन करके लेंगे, और उसके बारे में पीपीटी, रिटर्न नोट्स, जो भी अपन से बनता है महाविद्यालय की तरफ से, जो भी आपकी मदद हो सकती है वो की जाएगी। और अगर इसी का जो विषय का जो नेक्स्ट पेपर है, पेपर सेकंड के नाम से, जिसके अंदर स्तनधारियों को आधार बनाते हुए उनकी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को स्टडी किया जाएगा। और इसमें जो पेपर का जो टाइटल है वो है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला जो पार्ट है उसके कुछ चैप्टर्स हैं वो फिजियोलॉजी से संबंधित है और आधा जो पार्ट है उसका बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है। इसके अंदर जैसे एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर अपन देखें तो मेमल्स को आधार बनाते हुए उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन और जितने भी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, जो भी इनके अंदर उपस्थित है उनको बेसिकली वो किस तरीके से कार्य करते हैं, उनकी संरचना में कौन कौन सी एडवांसमेंट होते हैं और उनका जंतु मेमल्स के जंतुओं के अंदर क्या उपयोग है, विशेष रूप से उसको ध्यान में रखते हुए अपन एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी सेकेंड यूनिट होगी, उसी के अंदर ये भी फिजियोलॉजी से रिलेटेड, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम उनको शामिल किया गया है, जैसे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन से रिलेटेड जो भी क्रियाएँ हैं वो है,
और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी चैप्टर रिफ्लेक्सेशन नर्व इम्पल्स वगैरह इस यूनिट के अंदर दे रखा है, वो आप पढ़िए। और उसके अंदर जो भी पहले आपको भेजा था उसके अंदर सॉफ्ट कॉपी के अंदर इसका जो सिलेबस आप मैंने भेजा था उसको आप देखें, और साथ ही ये PPT भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होगी और आपको पर्सनली व्हाट्सअप भी मैं करूँगा इसका। तो आप वन बाई वन जो भी टॉपिक आपको पढ़ते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर यूनिट 3 की बात करें तो इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के 3 चैप्टर शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली इनका सेल के अंदर इसकी संरचना, कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से इनका डाइजेशन होता है और किस प्रकार से डाइजेशन, तो अपन पहले फिजियोलॉजी में पढ़ चुके होंगे इनका। उसके बाद में सेल के अंदर इनके द्वारा रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन कैसा होता है, ATP का जनरेशन कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के साइकिल जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे। प्रोटीन से रिलेटेड प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन की बेसिक जो स्ट्रक्चर्स क्या होती है, उसके अंदर बनाने वाले अमीनो एसिड्स वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, और उनकी साइकिल क्या होती है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें अपन यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरीके से लिपिड वगैरह है, लिपिड की संरचना, कार्य, सिग्निफिकेंस में आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे है फैटी एसिड्स का, वो किस तरीके से अपन वो देखेंगे। पेपर जो 3 है उसके 3 पार्ट है, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल रिसेंट पेपर है, इससे पहले वाले पेपर्स तो आपने शायद 12वीं तक या फर्स्ट ईयर के थ्रू पढ़े होंगे, लेकिन इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अभी रिसेंट ट्रेंड है बायोलॉजी के अंदर, और ये आपको पढ़ाओ भी नहीं, तो इस पेपर को थोड़ा अपन ध्यान से लीजिए। और इसके तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है, इम्यूनोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में। अगर यूनिट 1 देखें तो ये यूनिट 1 जो है वो इम्यूनोलॉजी की यूनिट है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो चैप्टर्स वो दिए गए हैं। पहला जो चैप्टर है वो इम्यूनोलॉजी है, कि इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, क्यों इम्यून सिस्टम है जंतुओं के अंदर विकसित हुआ है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से कि सेल्स द्वारा कैसे डिफेंस किया जाता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है और एंटीबॉडीज किस टाइप से बनती है। सेकेंड जो चैप्टर होगा उसका होगा एंटीजन, कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन किसे हम एंटीजन कहेंगे, एंटीजेनिसिटी क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन से पदार्थ जो है एंटीजन की तरह कार्य कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें होती है। इसी तरीके से एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी के अंदर 500 प्रकार की जो एंटीबॉडी है उनकी संरचना, कार्य की और उनके जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। और बेसिकली एंटीबॉडी इसका इम्यूनोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य जो रिएक्शंस होती है, प्रेसिपिटेशन है, ग्लूटिनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, इसकी कंप्लीट जो लाइटिक रिएक्शंस जो है फेगोसाइटोसिस वगैरह उसको स्टडी करेंगे। और सेल्स इम्यूनिटी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं बॉडी के अंदर पाई जाती है, वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी कोशिकाएं हैं और वो किस तरीके से कार्य करती हैं, उनका संरचना क्या होती है, ये सेल्स इम्यूनिटी के अंदर स्टडी करेंगे। जैसे टी किलर सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स है, मेमोरी सेल्स है, इसे और मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि जो एंटीबॉडी है वो पैथोजन आने के बाद में उसके द्वारा किस प्रकार की जो एक्टिविटी की जाती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के द्वारा किस प्रकार की एक्टिविटी होती है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है किस प्रकार से एक्टिविटी करती है, ये सब चीज़ें अपन यूनिट 1 के अंदर इम्यूनोलॉजी वो ध्यान में पड़ेंगे। यूनिट 2 जो है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उससे रिलेटेड जितनी भी इनकी स्ट्रक्चर है अपन सब स्टडी करें। बेसिकली अपन बैक्टीरिया को आधार बनाते ही है, उसकी संरचना, उसमें जेनेटिक मटेरियल किस प्रकार का, उसके अंदर क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, उसके प्लाज्मिड किस प्रकार के होते हैं, उसके अंदर जनन किस प्रकार का होता है, ये सब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करेंगे। ये काफ़ी बड़ी यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी की, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया में किस प्रकार के अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, कि इनके इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये सब चीज़ देखते हैं। उसके बाद में एड्स वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे और ये किस प्रकार से काम करते हैं, ये सब अपन स्टडी करेंगे। यूनिट 3 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिसेंट है और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी, स्कोप, सिग्निफिकेंस, इसके इसके जो मेजर एरियाज क्या क्या है, बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से एरिया के अंदर काम आ रही है इसके बारे में, और इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर है, इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से विकास हो रहा है, ये सब चीज़ें अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से पढ़ेंगे। इसी तरीके से कि जीन ट्रांसफर टेक्निक्स,
जीन को आइसोलेट करना, जीन को किसी वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं एक सेल से दूसरे सेल के, किस प्रकार से ये जीन का ट्रांसफर करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। इसी तरीके से हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बहुत बड़ी काफ़ी होता है उसके अंदर अपन देखेंगे। तो ये सिलेबस मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, और आप सभी तीनों पेपर्स की बुक्स ला करके घर पे पढ़ना शुरू करें, और टाइम टाइम पे जो भी वीडियो आते हैं उनका आप देखें, लिखें, नोट्स बनाएं, और जो भी क्वेरीज हैं डायरेक्ट आप फोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या जो भी आप कमेंट्स वगैरह जो भी करना चाहते हैं अपने फ्रेंड से या मेरे से, जो भी आपकी मदद होती है उसकी चाहिए। थैंक यू।